Hi, it's me, Namish Taneja. You are watching me on Good News Today. Welcome, Namish. Thank you. We are starting our Quick 24 ready. Quick 24 ready, yes. So, do you believe in superstition? Do I believe in superstitions? Yes, sometimes no. Love at first sight? Mera to aise hi hua tha. Love at first sight, mera jab hua tha, to main 16-17 साल का था. मैकडोनल्ड्स गया था अपने फ्रेंड्स के साथ और मैंने आंचल को देखा था और वहीं से पता नहीं क्या हुआ था मुझे. मैं हिप्नोटाइज ऐसा हुआ कि मैं लाइफ में कभी किसी लड़की से उसका नंबर मांगने नहीं गया, बट पहली बार मैं अपने आप उठ के चला गया. वो एक पिक्चर थी ना अजय देवगन वाली, वो दो डंडे के ऊपर चल रहा होता है और उसे पता ही नहीं होता वो प्यार में. तो वैसे ही मैं गया उनके पास और मैंने बोला, व्हाट्स योर नेम? शी सेड कि वाई. I'm like, I'll add you on Facebook. So she said ki, no, I'm not using Facebook. I'm like, mujhe conversation bhi yaad hai. So she's like ki, maine kaha, how to contact you? To wo thodi itni dari hui thi. I'm like, wo mujhe apna galat number dena cha rahi thi. 7 number aise aise karke. To maine kaha, wait, let me check. To maine WhatsApp pe usi waqt check kiya. Maine kaha, okay, go. To wahan se hum logo ki start hua. Humne kabhi ek dusre ko propose nahi kiya, but we are still together. Best friends. Abhi tak to hum friends hai, best friends hai. So, I believe in love at first sight. Do you believe in destiny? Yes, I do. हम लोग destiny हैं. हम लोग कहाँ से आए हैं और क्या है और जी रहे हैं, life चल रही है, तो ये सब destiny है. Are you a mountain person or beach person? More of mountains and 20% beach person. Romance or action? Romance. Angry bird or calm person? Calm person. Bollywood or Hollywood? Obviously Bollywood. Night owl or early bird? Night owl. Sweet or spicy? Sweet. Tea or coffee? Coffee. Are you a party animal or home dog? 80% home dog or 20% party animal. Romantic or spontaneous? Spontaneous. Sensitive or loud? Sensitive. More on Twitter or on Instagram? Obviously, nowadays everybody is on Instagram. To me too. First book you read? Melua. Last person I texted? Check karna padega. Meri memory aaj kal loss ho gaya. Let me just check. मेरे एक न्यू म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनसे ही बात करते हैं. इज राइटेड कि चिच्चा. तो मैंने बोला चिच्चा व्हाट्सअप. लास्ट पर्सन आई कॉल यही होंगे फिर तो. पीआर टीम. हाँ पीआर टीम नहीं, माय ड्राइवर. क्रेजीएस्ट फैन स्टोरी है तो बहुत सारी, बट मैं इंडोनेशिया में था और मैं अपने होटल रूम में सो रहा था और नेक्स्ट डे मेरी परफॉर्मेंस थी, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी सो गया था. बट स्टिल रात को 4 बजे मेरी मॉम मेरे साथ में गई थी, तो मेरी मॉम ने मुझे उठाया कि अरे नमी शूट उठ. मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे बाहर बहुत सारे लोग हैं. तो मुझे लगा पता नहीं क्या दंगे वंगे तो नहीं हो गए. तो फिर मेरे को मैनेजर ने बताया कि बहुत सारे फैंस हैं जो होटल के बाहर खड़े हुए हैं, और मैंने देखा था कि 100+ लोग होंगे, लड़कियां, फैमिलीज थी उनकी, जिन्होंने मेरी टी शर्ट पहनी हुई थी. और वो क्रेजीएस्ट था मेरे लिए. वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना प्यार कभी मिलेगा. तो वो था मेरे लिए. और वहाँ पे ऐसा था कि मैं उनके बीच में गया और कोई गार्ड्स तो थे ही नहीं, तो कोई ऐसे पकड़े, कोई वैसे पकड़े, कोई वैसे पकड़े. आई एम लाइक, मैं भी अच्छा अच्छा बन के हो, क्योंकि सॉरी ऐसे ऐसे करके ऐसे साइड गया सबको, बिकॉज वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो गया था. थिंग्स विच अनॉय मी, बहुत सारी चीज़ें हैं. मैं खुद ही हूँ बेसिकली. मैं जो कभी कभार कुछ ज़्यादा ही इतना ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ कर लेता ना, दैट्स अनॉयज मी. गाना नहीं चाहूँगा, बट मेरे को एक गाने दो. मेरे बहुत काफ़ी गाने जो मुझे पसंद हैं, बट एक जो है जो मुझे हमेशा मेरे दिमाग में बजता रहता है, रोग पिक्चर का गाना है इरफान खान का. खूबसूरत है वो इतना सहा नहीं जाता,
कैसे हम खुद को रोक ले, रहा नहीं जाता। चांद में दाग है ये जानते हैं हम, लेकिन रात भर देखे बिना उसको रहा नहीं जाता। ये हमेशा मेरे दिमाग में चलता रहता बचपन से। थैंक यू सो मच, थैंक यू, कीप वॉचिंग दिस।